अभी जितने सभी विद्वानों ने ये बात बताई कि हमारा समाज आ नहीं रहा है, हमारा समाज और दूसरी तरफ क्यों बढ़ता है, हम ये पूछना चाहेंगे बुजुर्गों से कि आपके पास कोई ताकत है कि नहीं है, बुजुर्गों से, भाइयों से, अपने हम उम्र लोगों से जानना चाहेंगे आपके पास कोई ताकत है कि नहीं है। ताकत है वो जानते नहीं है कौन सी ताकत है, वो है मन की ताकत। क्या की ताकत है? मन की ताकत है। आप मन से डरे हुए हो और अज्ञान में हो, इसलिए अपने को नहीं जानते। यही हमारे संत रविदास जी ने बताया कि मन अगर निर्मल है तो आपको कोई डरा नहीं सकता। मन ही सबसे बड़ा है। मन से, मन में इतना विश्वास होने से वैज्ञानिक बनता है, बैरिस्टर बनता है और जाने कितने कितने महापुरुष बनते हैं। मन के वजह से ही भगवान खुद भगवान बने। मन को साधा और मन की निर्मलता पर ध्यान केंद्रित किया। बाबा साहब ने भी मन को ही साधा। संत शिरोमणि रविदास जी ने भी भगवान बुद्ध की कही हुई बातों पर मन को ही साधा और मन से बड़ा कोई नहीं है इस संसार में। मन को जैसा बना लेंगे उसी तरह के आपके विचार पैदा होंगे। आगे जो संत कबीर जी ने तो बहुत इतना झकझोरा है, फिर भी समाज जो है उधर आ ही नहीं पा रहा है और डर के कारण नहीं आ पा रहा है। बहनों से ये बताना चाहेंगे कि अभी तो बुद्ध वंदना हुई, उसका कुछ मतलब नहीं जाने होंगे, उसका प्रभाव नहीं जाना होगा। पंचशील जो बताएंगे उसका मतलब नहीं जाना होगा, क्योंकि हम लोग जो है जो रीत रिवाज से चला आ रहा है और जो चमक धमक करके दिख गया उसी तरह भग जाते हैं। अभी ये जो बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के चित्रों के साथ जो वाक्य लिखे हैं, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा सिंघनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा था बुद्ध माने ज्ञान की ओर बढ़ो, वही भगवान बाबा साहब ने कहा शिक्षा की ओर बढ़ो। सभी ने शिक्षा पर जोर दिया तो हम लोग शिक्षा, आज जो शिक्षा का बिगड़ा रूप है इसी तरह का बुद्ध के काल में शिक्षा का बिगड़ा हुआ रूप था। इससे क्या फायदा था? प्राणी हिंसा की जाती थी, चोरियां बहुत होती थी, कामुक क्रियाएं बहुत होती थी, लोगों को मांस मदिरा बहुत पीने की आदत पड़ गई थी। और वही परिवेश फिर से हमारे सामने, हमारे पूरे समाज में, पूरे जगह दिख रहा है। आप दोषी नहीं है उसमें। आज जो शहर के लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके इस दर्द को जान रहे हैं कि हमारा समाज और पूरा समाज वो कैसे बिगाड़ा गया है, उसके पीछे के कारण हम लोग जानते हैं सभी। हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे, हमारे सभी नहीं भाई लोग बैठे हैं प्राइमरी से पढ़ के आईएएस बने हैं लोग, बड़े बड़े अधिकारी बड़े बने हैं लोग। आज प्राइमरी से पढ़ा लिखा बच्चा क्या बन रहा है और प्राइमरी में भेजा क्यों जाता है? मजबूरी भी है और एक दूसरा लालच भी है। हमारे समाज को और कैसे बिगाड़ा गया वो भी हम जानते हैं। क्या किया गया? हमको 40% पैसा बिना काम करने पर मिल गया। हमको 40% पैसा केवल रजिस्टर में नाम एक जगह दे दिया और वो मिल गया। इससे हमारी आदत क्या खराब हो गई? हम कर्म करने से पीछे हटने लगे। कर्म का मतलब है सदकर्म, अच्छे कर्म, जो पंचशील कहते हैं पाठ पाता वेर मणि शिक्षा पदं समादिया। माने पाप कर्म करना, माने हत्या करने से अलग होने के लिए मैं आज शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो पहला आपके मन में क्या आया कि हम पाप कर्म या हत्याएं नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे।
बचेंगी एक सूत्र से। दूसरा आता है अभिन्ना दाना वेर मणि सिक्खा पदंग समाधिया। इसमें आप देखिए किससे बचे, अभिन्ना दाना माने बिना ये हम किसी की कोई भी चीज नहीं लेंगे। इसको सूत्र अगर बताया जाए तो सीधे बताया जाए तो कहा जाएगा चोरी ना करना, लेकिन उसका जो भगवान बुद्ध ने कहा कि बिना दिए हुए किसी की चीज नहीं जाए, तो जब आप चोरी कर देंगे तो उसके परिणाम क्या दिखते हैं वो भी सब मालूम है। तो दूसरा सील कहता है कि अदिन्ना दाना वेर मणि सिक्खा पदन समाधिया। तीसरा सील कहता है कामेश मिच्छाचारा वेर मणि सिक्खा पदन समाधिया। जो व्यसन भरे विचार हैं उनसे दूर रहने का, व्यसन भरे विचार जब आप पहले एक दुर्गुण में हो गए, पाप करने लगे, दूसरे चोरी करने लगे, तो तीसरा गुण तो आ ही जाएगा। उससे दूर रहने के लिए कहा गया व्यसन भरे विचारों से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, या बेटियां कहती हैं शिक्षा ग्रहण करती हूं। अपनी शिक्षा है मूसा वादा वीरमणि शिक्षा पदं समाधिया। मूसा वादा माने हैं झूठ न बोलना, झूठ न बोलने से वीरत माने दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जो पांचवी है जो आज का परिवेश दिख रहा है उसमें है सुरा मेरा मध्य पमाद ठाना वीरमणि शिक्षा पदं समाधिया। कच्ची पक्की शराब मांस मदिरा इत्यादि का सेवन और जुआ खाने में न जाने से विरत रहने की सब शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो केवल पांच बातें ये अगर मन में उतर जाए, आपके पास जो शक्ति है उसमें जितने दुर्गुण भरे हैं उनकी जगह ये गुण भर जाए तो आप विकास की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। तो अभी बौद्ध धर्म के लिए हमारे आदरणीय कैलाश भैया ने कहा था कि बौद्ध धर्म की जानकारियां नहीं है, जानकारियां सबको है लेकिन उसका क्रम नहीं मालूम है। अभी जैसे हमारे आदरणीय इंस्पेक्टर साहब ने जो वंदना कराई उसका अर्थ ये है कि हम पांच चीजें ये पंच थे और तीन जो तीर्थन है बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तीन बातें ये है, ये मंत्र आपको बताए नहीं गए इसलिए हम लोग कहने लग जाते हैं। यहाँ तो हमने पुष्प चढ़ाया लेकिन हम दूसरी जगह क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं बोलिए माताएं बोलिए, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने तो पुष्प चढ़ाया लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या करते हैं। जो भी अपने सामग्री जो हमारे बुजुर्गों को बच्चों को बेटियों को खाने लायक है वो हमें उस जगह पे जबरदस्ती जबरदस्ती करके क्या करते हैं। और यहाँ पुष्प चढ़ाने से आपको क्या खर्चा लग रहा है, इस पुष्प में केवल श्रद्धा है, पंखुड़ी पंखुड़ी में क्या छिपा है, इसको अगर मसल देंगे तो क्या निकलेगा, सुगंध निकलेगी, क्या निकलेगी। लेकिन जो आपने वहां अन्न का जो ऐसे किया तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा लगेगा, फफूंद लगेगा। फिर जब बारात में आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, जब बर्फ खिलाते हैं पहले उसमें तो वो नहीं खाता है, लेकिन आप कैसे खिलाती हो उसको, खिलाने का तो प्रयास करती है और खिला लेती है। तो मूर्तियों से हट के अगर वो बर्फ जो बर्फ खिलाती है आप, उसी तरह से अपने माता पिता को अपने बच्चों पर अगर ये अप्लाई करें तो वो आप उस चीज से बच जाएंगे और पुष्प पर आ जाएंगे। अपने यहाँ घी के दिए क्यों नहीं जलाए जाते, घी के दिए यहाँ क्यों नहीं जलाए जाते, घी के दिए जलाते चले जा रहे सब लोग, और कहां से भैया के यहाँ
दे दो उनका 250 ग्राम घी कहाँ चला गया? चला गया ना। यहाँ क्या होता है? मोमबत्ती। कोई बर्बादी नहीं, जो घी पौष्टिकता में लगना चाहिए। अगर वो 250 ग्राम में वो भैया अपने रिश्तेदारों को जाते थे, 10 रिश्तेदार खा जाते। ये बहुत धर्म है, ये बहुत धर्म कहता है कि आप जो है उससे अच्छाई की ओर बढ़िए, व्यर्थ में कुछ ना खर्च वो करिए। आप पूरे सही दिशा में चलिए। अभी जो बेटी ने जो गीत गाए उसमें भी आपको संदेश दिखा है बाबा साहब का। हमारे आदरणीय जो भाई साहब हैं उन्होंने जीना क्या, हमको लग रहा है यूपी भर में सभाएं करेंगे, नाटक लिखे, सब किया, समाज को इतना दिया। लेकिन समाज एक बार सुधरा, एक बार फिर जब हम कोई मनरेगा में फंस गए और मिड डे मील में फंस गए, तो आज हमारी स्थिति वही बुद्ध काल की हो गई। बुद्ध के समय में कितना अत्याचार, अनाचार और दुराचार और ये शराब मदिरा फैली हुई थी, वही युग आ गया है। तो आज हमें क्या चाहिए? हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। हमें बुद्ध चाहिए माने ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए। अभी माताओं को ये और बहनों को ये समझ में आई बात जो कहा, इस पे जो किया और ये इसका महत्व समझा, तो जितने लोग अमल कर पाओ। अब हम ये कहते हैं आपके पास जो एक शक्ति है, जो मन है, मन के अंदर ये शक्ति आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक शक्ति उसमें भरी हुई है, वो भरी हुई है, जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक आप ये शक्ति को नहीं पा पाएंगे। आपके अंदर एक शक्ति भरी हुई है, उसका भी नाम मालूम है। मन में ही एक शक्ति और शक्ति तो छुपी हुई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जाने क्या क्या बन सकते हैं। एक शक्ति छुपी है उसका नाम है डर। आपके पास एक जो बड़ी शक्ति छुपी हुई है जिसके कारण आप कुछ करने में डरते हैं, खुशी से बाहर निकलने में आप एक नया रास्ता चुनने में आप डरते हैं, वो है डर। है ये भय आया कहाँ से आपके पास? आप अपने घर में रहते हैं, पूरे घर में रहते हैं, लाइट बंद हो जाती है तो आपको वही घर कैसा लगता है? लगता है कि कोई आ गया। आया कोई नहीं, लेकिन कोई आ गया। तो क्या है? अज्ञान, अशिक्षा रूपी जो अज्ञान है वो आपके अंदर डर को पनपाता है। लेकिन आगे ये कैसे बढ़ता है? भय कैसे बढ़ता है? आगे बच्चा जब पैदा हुआ, बड़ा हुआ, थोड़ा सा 2 साल का समझने लगा, घर में खूब घूमने टहलने लगा, शरारत करने लगा, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या करने लगे? घर में माता बोली या बहन बोली या कोई सयाना बोला, बच्चे जरा अंदर जाओ, बिल्ली आ जाएगी, चूहा आ जाएगा। इसी के विपरीत में जो पढ़े लिखे विद्वान लोगों के घरों में, राजाओं के घरों में क्या कहा जाता था? वहाँ लोरी सुनाई जाती थी, वहाँ राजकुमारों की कहानी सुनाई जाती थी। तो हमारा बच्चा डर से कहाँ ग्रसित हुआ? 2 साल की उम्र से डर में रहना शुरू हो गया। वो कैसे? बिल्ली के डर से। अब बड़ा जब हो गया तब अब हम लोग जब रोड में चलने लगे तो बिल्ली ने रास्ता काटा तो भी डरने लगे, क्योंकि वो डर बचपन में बढ़ा दिया गया। तो इस डर से निकलने के लिए मन में श्रम बुद्धं शरणं गच्छामि, ज्ञान की ओर बढ़िए, ज्ञानी लोगों के साथ जुड़िए, सदाचार के जो व्यवहार है उनको अपनाइए, नैतिक व्यवहार अपनाइए, और संगम करने वाले अच्छे लोगों के जो संगठन है, संघ है। वर्तमान में आपके पास
खुद भी आ रहे हैं लेकिन बहुत कम है। ये समितियां आई हैं वहां भी हम लोग के जो है महीने में दो मीटिंग भी नहीं करते, बैठते नहीं है। ये संघ है, यहाँ अच्छे लोग इकट्ठा शुरू होंगे, ये संघ है। तीन चरण ये है और पांच सीट है। आठ बातें बेसिक है, इसी को करना है तो आप डर से तो बिल्कुल निकल जाएंगे और जो आगे पनपता रहता है डर उसको भी खत्म एक दिन होना होगा। इसलिए हम बार बार अपील करेंगे कि आप इसको पंच तीसरा और पंचशील को अपनाएं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। आज हो जाएगी।